अभी बज रही है रात की 12 और मैं और चिकू काम करके जस्ट अभी फ्री हुए थे और चिकू कुछ कर रहे थे पीसी में, अंदर कुछ देख रहे थे, कोई इम्पोर्टेंट काम था तो खोल के, और देखो क्या हुआ है हाल। तुम जरा डिस्क्राइब कर दो कैसे होगा। क्या बताएं कैसे हुआ, बताओ ना। फूट गया बस, यहाँ लगाते लगाते यहाँ नीचे हल्का सा टच हो गया तो तुरंत फूट गया, टफन है तो ये पूरा फूट चुका है, अभी भी फूट ही रहा, आवाज आ ही रही रहने दो, तुम हर्ट हो जाओ फालतू में। पर रात की 12 बजे ऐसा काम हो गया, दिमाग खराब हो रहा है। अभी हम सोने के लिए तैयारी कर रहे थे, हाँ पीसी ओपन रहेगा तो अभी सारी मिट्टी जाएगी ना अंदर, और प्लास्टिक से भी टेम्परेली पैक कर देंगे, हाँ और टैप मार देंगे यहाँ और यहाँ ऊपर। तुम अब हट जाओ, मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ, कोई कांच बस घुस जाएंगे क्या। तो ये बोल्ट लगा के मैं टच हुआ और हाँ कोने में मेरे को कट्टे ही सुनाई दिया और तुम्हारे पास, फिर मैंने कांच देखा तर 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 तर। मैं तो बाहर रखने वाला था चुपके से, कहीं इसको पता चल जाएगा। इतने आवाज आएगी कट जाओगे, चुको मत टच करो, चलो कर दो, चलो इसको कर देती हूँ अब क्लीन, और अब आपको डायरेक्ट अब सुबह मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कल रात को टूट गया है हमारे पीसी का कांच, जो हमने अभी कुछ टाइम पहले बिल्ड करवाया था, तो जिनसे बिल्ड करवाया था उन भैया से बात वगैरह हो गई है न्यू मिरर के लिए। ये टेम्पर्ड ग्लास था इसलिए एकदम से ऐसा क्रैक हुआ है ना, बिल्कुल ज़मीन पर टच ही हुआ था, जैसे कि चिकू ने आपको कल रात को बताया कि टच ही हुआ, पूरा तड़ 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 देखे ऐसा फूटा है, यानी गजब का, हमारे तो हार्ट बीट ही यानी ऊपर आ गई थी एकदम, तो वो तो चलो हो गया। और अभी मैं कर रही हूँ ये हमारे क्या कहते हैं इसको ड्राइंग हॉल में बेडशीट वगैरह चेंज, तो न्यू बेडशीट लगा रही हूँ। ये कंप्लीट लग चुका है और अब कर देते हैं कुछ और काम। और आज है बच्छ बारस, आज के दिन सारी मम्मी अपने बच्चों को देती है नारियल, और वो नारियल हमको सिर्फ बच्चों को ही खाना होता है, तो हर साल मम्मी भिजवाती है, इस साल भी भिजवाएगी मेरी मम्मी, और मम्मी को काफ़ी मिस कर रहे हैं क्योंकि इस दिन पे हम यानी पीछे पीछे घूमते थे और मम्मी पीछे से कुछ नारियल देती है तो फिर हम पीछे से लेते थे, बहुत ज़ोरदार का सीन होता था, और मेरी फैमिली है काफ़ी बड़ी तो इतना मज़ा आता था, सब जने साथ में बैठ के करते थे, तो कभी कभी ये सब चीज़ें काफ़ी मिस होती हैं, फैमिली भी काफ़ी याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है स्पेशली मम्मी। और चलिए अब करते हैं घर के काम दूसरे, खाना वगैरह भी आज कुछ अलग टाइप का बनेगा, आज कुछ भी छोंक लगाया हुआ या फिर काटा हुआ ऐसा खाना हम नहीं, यानी जो औरतें होती हैं जो बच्चों के लिए व्रत करती हैं वो नहीं कर खा सकती हैं, आज सिर्फ मूंग बनेंगे और मक्की की रोटी बनेगी, और मूंग बनेंगे उसमें हम कोई भी यानी तड़का नहीं लगाएंगे, वो डायरेक्ट उबाल के ही बनाएंगे। चलिए कैसे बनती है वो भी बताते हैं, और काफ़ी टेस्टी लगती है, और आज के दिन का यानी काफ़ी महत्व है, हम यानी सब बच्चों के लिए भी है और माओं के लिए भी है, माँ बच्चों के लिए यानी हर दूसरा तीसरा व्रत अपने बच्चों और पति के लिए ही करती है, कभी खुद के लिए तो कुछ करती ही नहीं है, बहुत यानी सच में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है माओं का, तो ये कुछ यानी अपने लिए व्रत करके हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरे लिए मेरे बच्चे ये करे वो करे, बस वो कहते हैं ना निस्वार्थ भावना से करती ही जाती है और पूरी उम्र लगभग करती है। मेरी मम्मी तो अभी तक मेरे लिए व्रत करती है, मेरे और मेरे भाई के लिए, और पर्टिकुलरली जैसे करती है वैसे ही करती है, कभी आज तक कोई चेंज नहीं रहा उसकी तबीयत, मेरी मम्मी की जो तबीयत है वो ख़राब रहती है तो भी जैसा होगा वैसा ही होगा, यानी वो पूरा रखती है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं मेरे और मेरे भाई के अंदर भी बरकरार है, करते हैं रेस्पेक्ट पर उतना नहीं कर पाते जितना हमारी माँ हमारे लिए करती है, बस इच्छा है 2-3 दिन में मिलने जाए मम्मी को, और मम्मी की भी तबीयत अभी थोड़ी सी ख़राब चल रही है इसलिए दिमाग में वही चीज़ रहती है कब मिलने जाऊँगी, क्योंकि दूर रहते तो ज़्यादा याद आती है, इसलिए अब चलो सब बातों को छोड़ते हैं और घर के कामों में लगते हैं, उस घर से इस घर में आ जाते हैं। चलिए अभी बन रहा है खाना, और खाने में जैसे कि बन रहा है चिकू के लिए तोरी की सब्ज़ी और ब्रैन रोटी, और हमारे लिए है मूंग और मक्की की रोटी, तो मक्की हम इस साल मौसम अच्छा नहीं होने की वजह से स्टोरेज नहीं कर पाए और अच्छी भी नहीं मिली, इसलिए तो अभी मंगवाया है मकई का आटा,
और ये अभी मूंग पक रहे हैं और बस आज यही खाना बनेगा। टेस्टी टेस्टी एकदम, कहते हैं ना सात्विक खाना। हालांकि रोज सात्विक ही बनता है पर आज कल कुछ ओवर सात्विक बनेगा। तो मक्की की रोटी बनाएंगे और तोरी की सब्जी बनाएंगे। मूंग हम तड़का नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम तोरी को कट करते हैं। आप भी सोचे होंगे तोरी रोज रोज क्या बनाते हो। हमारे यहाँ पर एक आंटी है जो रोज़ तोरी लेके जाती है। अब क्या पता उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा है कि क्या हुआ। ठंड रखना भाई, बात कुछ करने दे ऑडियंस से। वो रोज़ तोरी लेके जाती है और अच्छी तोरी है काफ़ी, पर रोज़ रोज़ तो नहीं पाती है। पर चिकू की डाइट है इसलिए चिकू को तो खिलानी पड़ेगी हरी सब्ज़ी, क्योंकि अभी हरी सब्ज़ी कोई भी अच्छी नहीं लग रही है तोरी के अलावा। लौकी कितनी रोज उठ के खाए, तोरी भी कितनी खाए, पर क्या कर सकते। मिट्टू की भी बातें हो गई है चालू। मैं इसलिए कहती हूँ खाना बनाते समय फेस सनस्क्रीन लगाना इसलिए ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा गर्माहट रहती है रसोई में। और जैसे कि कुकर ने जो सीटी मारी है वो सीटी सीधी मेरे मुंह पे आके लगी है, यानी इसकी स्टीम। तो आपको जैसे कि पता है आप मेरे रेगुलर यानी व्यूवर हो तो भाई कुछ तो बात करने दे। एक तरफ मिट्टू बात करने नहीं देते, एक तरफ कुकर बात करने नहीं दे रहा। अभी कर रही हूँ मैं दाल की तैयारियाँ। तो दाल बनाने के लिए मैंने लिए हैं लहसुन और ये हरी मिर्चियाँ ले रही हूँ, और इसमें ही डाल दूँगी धनिया और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अदरक। इसको अच्छे से कूट लूँगी और बिल्कुल बारीक डाल दूँगी, यानी तब मेरे को मसाला अगर तड़का नहीं लगे तो कुछ अच्छा दूसरा टेस्ट आए इसके लिए। और फिर सारी हल्दी हरी मिर्च में ही बनाऊँगी। हल्दी नमक और सूखा धनिया और हरा धनिया वगैरह सब डाल के दाल को कंप्लीट करूँगी। तो मैंने आपको रेसिपी बता दी है। इसको डायरेक्ट मूंग को कर दिया अपन ने बॉईल, और इसको थोड़ा सा और पानी डाल के एक जैसा बॉईल कर देंगे ताकि ये पूरा कहते हैं ना एक रस हो जाए, यानी इसके अंदर यानी पानी अलग जा रहा है मूंग अलग जा रहा है ऐसा नहीं होगा। और अभी हम इसके लिए बना देते हैं एक तरह से मसाला। तो इसके लिए मैं हरी मिर्चियाँ काट के इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये मैं चाहती तो मिक्सी में भी पीस सकती थी पर मिक्सी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैं हाथों से ही कूट के और फिर डालूँगी। हमारा काम तो लगभग हो चुका है कंप्लीट, सिर्फ मक्की की रोटी बनानी बाकी है, जो कि मक्की आई नहीं है इसलिए हम हमारे टाइम पर हैं। और टाइम पर तो क्या शॉप के लिए हो गई लेट, पर कोई बात नहीं चलेगा, वार त्यौहार तो लेट हो ही जाते हैं। और ओह भूल गई मैं चिकू के लिए ब्रांड वाला आटा जो मांगना है, ग्रैंड वाला आटा बांध के उनको खिला देते। डन। अब ये सब्जी इसके अंदर हमको पानी डालने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए काम हो गया कंप्लीट, बस अब मक्की आती है और मक्की की रोटी बनाते हैं। क्यों अभी तक कंफ्यूजन में घुमा रहा हूँ मैं? नहीं सड़े सूखा सूखा सड़े ले कौन सा दूध गोरा तेरे? अच्छा मीठा होना चाहिए। मार थोड़ा मैं देखी निकल गया मत जी कहीं ये दे दी तुम्हारे दाना सुना मोटो सालो आने दो।
ले फेरचू फड़ू हां फड़ ओ बदेर वो पड़े तुम तो हाथ की सपा भी दी तो ये कास्ट कर एवं देख इन दे चले सही है लो तुम भी वीडियो लो घूम के रहे हो क्यों ये हाथ पे क्यों दिया बस अच्छा यूं रहता है मार सोरा ने गोरा सल्ले निकले हमने नारियल का गोरा वगैरह सब रिसीव कर लिया है मम्मी से और अब जा रहे हैं शॉप पर फाइनली चार बज चुकी हैं चार साढ़े तीन कुछ बजी हैं तो चिकू स्कूटी लेने के लिए गए स्कूटी लेके जैसे ही आते हैं वैसे चलते हैं अभी आ गई हूँ शॉप पर और मेरा कुछ काम है वो फटाक से मैं निपटा देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ जब फ्री होंगी तो अभी मैं बिज़ी हूँ अभी हो गए हैं हम फ्री और 7 बज रही हैं अभी जाना है घर पे आज मेरे हैंड और लेग्स पर की वैक्सीन क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था की नहीं थी लास्ट टाइम मैंने शायद ब्लॉग में बताया था जब हुई थी तब तो काफ़ी ग्रो हो गया था हैंड्स पर तो करवा दी है वैक्सीन और कल करवाऊँगी फेशियल क्योंकि 9 तारीख को है हड़तालिका तीज और वो तीज मैं करती हूँ काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और उस दिन हम निर्जला व्रत रखते हैं तो वो दिन तो आपको देखने ऑफ कोर्स मिलेगा और आज का दिन था आपको जैसे कि पता है आज बच्चे बारिश थी तो मम्मी ने हम दोनों को नारियल दिए थे और मेरी मम्मी ने भी भिजवाए हैं और मेरी ताई जी ने भी भिजवाए हैं तो वो नारियल भी खाने पड़ेंगे और वो नारियल सिर्फ हम लोग ही खा सकते हैं कोई दूसरा नहीं खा सकता है सिर्फ मैं मेरे हस्बैंड मेरा खा सकते हैं फिर मैं मेरे हस्बैंड का नारियल खा सकती हूँ उसके अलावा कोई नहीं खा सकता ऐसा कुछ रिचुअल है और वही हम खाते हैं मस्ती से और अब चलते हैं घर पे जाते हैं अब क्या क्या बनाएंगे देखते हैं अभी जा रहे हैं हम घर पे और घर पे जाकर बनाएंगे खाना वगैरह तो लेट हो गए 7:30 तो हो गई है अब चलते हैं घर पे चलिए ये गंदो बच्चों अभी खाना वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है और हम भी लोग थक चुके हैं तो इसी के साथ कर रही हूँ मैं व्लॉग का एंड अगर आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग मिलता है कल के अच्छे व्लॉग में बाय